हमने लास्ट HTML का जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, और आज हम जो है वो होपफुली CSS पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक चैप्टर और भी है, फ्लैश वीडियो वाला, लेकिन उसको हम फिलहाल कवर नहीं करते हैं। अच्छा, ऑडियो और वीडियो का टैग आप लोगों को पता है लगाना? HTML5 का ऑडियो और वीडियो का टैग है, वो इसमें से आपने खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये रहा HTML5, प्रिपेयरिंग वीडियो फॉर योर पेज। सही है, ये फॉर्मेट के बारे में, जो इमेजेस के बारे में बताया था वही इन्होंने वीडियो के बारे में भी बताया है। ठीक है, और वीडियो का टैग जो है वो इस तरह से लगता है, ये वीडियो का टैग है, जस्ट लाइक ए इमेज टैग, उसी तरह लगता है ये। ठीक है, इसी तरह फिर ऑडियो का भी टैग होता है। आ जाओ आगे। ठीक है, ये तो फ्लैश वाला है। अच्छा, फ्लैश वाला हमारे किसी काम का नहीं है, फ्लैश वाला वो पुराना हो गया। HTML5 वाला जो है ना वो हमारे काम का है। HTML5 का जो ऑडियो का टैग है वो इस तरह लगता है, दैट्स इट। ठीक है, और या ऐसा प्लेयर बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, ऑडियो और वीडियो को हम होपफुली, ख़ास तौर पे ऑडियो को जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक प्ले करने की या बैकग्राउंड में कोई चीज़ चलाने की, तो उसके लिए ऑडियो का ही हम टैग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं और वो ख़ुद ही प्ले हो जाता है, तो उसको हम होपफुली यूज़ करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 जो है और इससे ऑनवर्ड्स जो 8 चैप्टर हैं उसमें CSS पढ़ा रहे हैं ये, और उसमें जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि CSS होता क्या है, ठीक है, क्या काम करता है और किस तरह से करता है, ये बात होती है उसके अंदर। अच्छा, फिर रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, ये तीन कोई टर्मिनोलॉजी इन्होंने लिखी है जो CSS में होती है। अब ये तीनों चीज़ CSS में किस चीज़ को कहा जाता है, CSS के अंदर रूल क्या होते हैं, CSS के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है और CSS के अंदर वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो वो बातें यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिस्कस होगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जी इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग CSS। कह रहे हैं हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि आपकी ये जो पूरा सेक्शन है ये अगले 10 चैप्टर का, ये पूरे 10 चैप्टर की बात कर रहा है कि हम इसमें ये सीखेंगे कि आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए और उसके डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल किया जाए CSS के थ्रू। तो ये जो इन्होंने बहुत गहरी बात की है ये कि एक तो अट्रैक्टिव बनाना, वो हमने किसी हद तक देख लिया था इमेजेस वाले चैप्टर में कि कलर्स और इमेजेस का क्या चक्कर है। अभी इन्होंने जो डिज़ाइन की बात की ना कि कंट्रोलिंग द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो है इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन है, वो होपफुली जो कलर्स वाला चैप्टर जब आएगा यहाँ पे तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि डिज़ाइन की क्या डेफिनेशन है ना। तो वी आर गोइंग टू कंट्रोल द डिज़ाइन विथ CSS। अच्छा, तो हम इस चैप्टर में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, CSS का एक हेलो वर्ल्ड खुद से बना लेते हैं। सही है, फिर वापस इस चैप्टर में आके देख लेंगे कि यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो तमाम के तमाम फोल्डर्स हैं HTML वाले, मैं क्या करता हूँ इसको एक फोल्डर में बना देता हूँ। मैंने कहा 1.HTML और ये सारा उठा के मैं क्या करता हूँ इस HTML में डाल देता हूँ। सही है, इसको मैंने एक में कर दिया, HTML5 कर देते हैं अभी इसको ना, और मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ 2.css3। सही है, CSS का वर्जन जो हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, एक index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और इस index.html की फ़ाइल में मैं बेसिक HTML जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद क्या करता हूँ, एक अदद H1 लगाता हूँ मैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि जी हेलो वर्ल्ड CSS3, और उसके बाद एक पैराग्राफ लगा देता हूँ मैं, और उस पैराग्राफ में क्या लिख देता हूँ, बुक से लाके एक फ्रेज, ये पूरी बात मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। सही
सही है, तो जो बुक में बात लिखी हुई थी वही मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। मेरे पास एक पेज है जिसके अंदर ये तीन टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स लगे हुए हैं, अब इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो मैंने कोड लिखा है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी तक हमने देखी ना हो, ठीक है। ये सब हमारा बहुत फेमिलियर है हम इन चीज़ों से, तो अब इस पर सी एस एस लगाते हैं। सी एस एस लगाने के तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक तरीका कि मैं यहाँ पे लगाऊँ स्टाइल का टैग, ठीक है। अच्छा, ये स्टाइल का टैग मैं कहाँ लगा रहा हूँ, हेड के अंदर लगा रहा हूँ, ठीक है। और स्टाइल का टैग लगा के मैं क्या करूँ, इसके अंदर जो भी सी एस एस मेरी है वो लिख दूँगा, सही है। अच्छा, अब इस जगह पे स्टाइल लगाने के अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वंस हम थोड़ी सी एस एस लिख लेते हैं फिर हम उसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह लगा के देख लेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल का एक टैग बना लिया ओपन और क्लोज। इसके दरमियान में मैं क्या करूँगा, सी एस एस का कोड लिखूँगा, ठीक है। सी एस एस का कोड हम पहली दफ़ा लिख रहे हैं इस क्लास में, तो ज़रा हम आराम आराम से लिखते हैं और देखते जाते हैं। मैं कहता हूँ एच वन, सही है, कॉमा एच टू, एच थ्री, यस। अच्छा, और मैं इसको कहता हूँ कि कलर जो आपका हो जाए वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, सही है, कलर रेड। जैसे ही मैं ये बात लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इन दोनों का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अच्छा, तो ये मेरा जो है ना पहला जो सी एस एस का हेलो वर्ल्ड था वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि इस हेलो वर्ल्ड के अंदर लिखा क्या है हमने। ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम कहते हैं सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं वो बात लिखता हूँ कि यार ये जो स्टाइल मैं लगाने जा रहा हूँ ये किस एलिमेंट पे लगाना है उसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने सिर्फ H1 लिखा अगर तो सिर्फ ये H1 पे अप्लाई होगा। H1 कॉमा P लिख दिया तो H1 और पैराग्राफ दोनों पे लग जाएगा ये, तो ये सेलेक्टर है। अच्छा, अब ये सेलेक्टर जो है वो सिर्फ ये इस तरह से नहीं होता, सेलेक्टर की एक मज़ीद डिटेल है। तकरीबन हमारे पास 10 अलग अलग तरह के सेलेक्टर मौजूद हैं, वो हम अभी चैप्टर में आगे उसको पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो ये मैंने एक सेलेक्टर आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हम बात लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि किस एलिमेंट के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करना है। अच्छा, फिर ये जो ब्रैकेट है इसमें हम वो एक्चुअल स्टाइल लिख देते हैं कि जी ये अप्लाई करना है। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ना ये हम कहते हैं रूल, सी एस एस रूल है ये एक, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और रूल भी लिख सकता था, मैं कह सकता था कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये एक रूल लिख दिया, ये दो रूल लिख दिया। तो ये दोनों रूल किस पे अप्लाई करना है, इस वाले सेलेक्टर पे। ये जो यहाँ पे सेलेक्टर सेलेक्शन की है ना मैंने, इस वाले सेलेक्टर के ऊपर ये दोनों रूल अप्लाई करना है, ये ऐसे मैंने बात कह दी। अच्छा, हमें सेलेक्टर पता लग गया, हमें रूल पता लग गया। एक रूल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ये प्रॉपर्टी है और एक ये उसकी वैल्यू है, सामने उसकी ये प्रॉपर्टी है ये वैल्यू है, सही है। और यहाँ पे आपकी पूरी सी एस एस कम्प्लीट हो गई आपकी, सही है। पूरी सी एस एस कम्प्लीट किस तरह हो गई कि अब यहाँ से ऑन द वे फॉरवर्ड हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भाई कितने अलग अलग सेलेक्टर्स अवेलेबल हैं। तकरीबन 10-12 के करीब अलग अलग सेलेक्टर्स हैं, वो हम देख लेंगे तो पता लग जाएगा। तो 10 के करीब ये सेलेक्टर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं और हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कलर के अगेंस्ट जो है वो जितने भी कलर्स हैं वो सब हम लिख सकते हैं। अब कितने कलर हैं तो वो देख लेंगे हम कितने कलर हैं। तो अब कलर एक प्रॉपर्टी हो गई, और कौन सी, अच्छा जी बॉर्डर है, अच्छा जी बॉर्डर के अलावा कौन सी है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, और शेडो है, बॉक्स शेडो है ना, डिस्प्ले के अलग अलग अप्रोचेज हैं। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई 200-300 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे अभी ऑन द वे फॉरवर्ड। तो वो 200-300 प्रॉपर्टीज़ जब आप पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि पूरा पेज खुद बना लेंगे आप। तो यही है सी एस एस सारी। ये आपको मैंने एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि सी एस एस का क्या चक्कर है।
तो अगर आपने सारे सेलेक्टर कवर कर लिए और सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया आपने, तो आपकी सी एस एस पूरी हो गई। सही है। अच्छा, ये हमारा हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया। मैं बॉर्डर जो मैंने लगाया उसका देखें इम्पैक्ट क्या आता है इधर। ठीक है, बॉर्डर का इम्पैक्ट ये आ गया। एच वन पे क्यों नहीं लगाइए, ये क्या चक्कर है? एच वन से क्यों हट गया ये? अच्छा ये मैंने, अच्छा पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, एक मिनट मैंने क्या किया हुआ था। अच्छा यहाँ जेड डब्ल्यू लिखा गया था गलती से, इसलिए नहीं लग रहा था। अब मैंने जैसा कि बताया था कि सी एस एस जो है ना तीन अलग अलग जगहों पे आप लगा सकते हैं, तो वो तीन अलग अलग जगहें जो हैं वो कौन सी हैं? बहुत नीचे चला गया ये, इतना सही है। नंबर एक तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम, ठीक है। नंबर दो ये कर सकते हैं हम कि इसको इन लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पूरे को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यही चीज़ आके मैं एच वन के यहाँ पे भी लगा सकता हूँ स्टाइल। और मैंने कहा कि जी कलर रेड, ठीक है। तो ये सिर्फ इस पे लगा है, वो बाकियों पे नहीं लगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार कलर ग्रीन, तो ये कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो एच वन के एलिमेंट पे मैं एज अ एट्रीब्यूट भी स्टाइल को लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा कलर लगा दिया, साथ में बॉर्डर भी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, साथ में बॉर्डर भी लगा दिया, बॉर्डर भी लग गया, ठीक है जी। बट ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नॉट रेकमेंडेड है। ये दोनों क्या है? नॉट रेकमेंडेड है। सही है। इसको मैंने कमेंट करके ये छोड़ दिया ताकि आपके लिए रेफरेंस रहे। अच्छा ये दोनों नॉट रेकमेंडेड है, तो फिर रेकमेंडेड कौन सा वाला है? रेकमेंडेड है एक्सटर्नल फाइल। हम क्या करते हैं, हम एक अलग से फाइल बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। इसका कोई भी नाम हो सकता है, इसके नाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका नाम स्टाइल होगा या क्या होगा। हाँ लेकिन डॉट सी एस एस इसमें होना ज़रूरी है, डॉट सी एस एस होना इसके अंदर ज़रूरी है। अच्छा और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आके यही वाला सारा का सारा जो सी एस एस का कोड है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं? सेलेक्टर्स, और उस सेलेक्टर के अगेंस्ट जो भी रूल्स हैं वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो, जैसे अभी तो मैंने एक ही लिखा है ना, एक ही यहाँ पे सी एस एस, अभी इसको भी कुछ बोलते हैं, वो बुक में आगे लिखा हुआ है, अभी मैं भूल रहा हूँ उसको। तो वेल मैं कहता हूँ यार एच थ्री पे भी मुझे कुछ लगाना है। मैंने कहा एच थ्री पे मुझे ये लगाना है कि कलर उसका हो जाए ब्लू हो जाए। सही है। तो मैंने ये पहले लिखा हुआ था, ये भी लगा दिया, एक ही बात है। अच्छा और मैं इसको अब वापस अपने इसके इस फाइल में कैसे इसको इंक्लूड करूँगा? मैं उसी तरह लिखूँगा स्टाइल, सॉरी लिंक, लिंक लिखूँगा डॉट स्लैश स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। रिलेशन स्टाइल शीट, ये जो मैं लिंक बना रहा हूँ इसका रिलेशन क्या है मेरी फाइल से? स्टाइल शीट है ये। अच्छा और जब मैं इस फाइल को अब रन करूँगा तो इसमें उसी तरह से स्टाइल दिखेगा जैसे यहाँ पे वाला दिखता था। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया सारा वो। अच्छा अब सीन ये है कि रेकमेंडेड ना ये वाला है, अलग से जो फाइल बनती है ना ये रेकमेंडेड है। अब ये क्यों रेकमेंडेड है, इसका एक रीज़न मैं अभी बता देता हूँ, बाकी आप जब कोड लिखेंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। एक रीज़न इसका ये है कि रीयूजेबल हो जाता है आपका सी एस एस, ठीक है। अगर आप चार पेज की एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप क्या चारों पेज में जाके ऐसे अलग अलग स्टाइल लिखेंगे? नहीं, आप एक फाइल बनाएंगे और उसमें चारों का स्टाइल लिख देंगे आप। क्योंकि जैसे नेविगेशन बार है, जो ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ आ रहा होता है टॉप पे, ठीक है, जिस पे हम होम गैलरी कॉन्टैक्ट अबाउट लिखा होता है, तो वो तो चारों पेज में एक जैसा होगा ना, एग्जैक्ट सेम होगा चारों पेजेस में। तो उसकी सी एस एस क्या मुझे चारों पेज पे अलग अलग जाके लिखनी चाहिए? नहीं, उसकी सी एस एस मैं एक ही फाइल में लिखूंगा और चारों जगह पे उस फाइल का
ऐसे मैं लिंक बता दूंगा, तो मुझे काफ़ी उससे क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। यही वजह है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो रेकमेंडेड है। इसके अलावा भी एक दो रीजंस है, वो आपको खुद ही पता लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे तो। अच्छा, लेकिन इस क्लास में मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि जब मैं इस तरह फाइल के अंदर CSS लिखता हूँ ना, तो मुझे पढ़ाने में आसानी होती है। एक ही पेज को मैं बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मुझे पढ़ाने में आसानी होती है। ऑन अदर एंड अगर दो अलग अलग फाइलें होंगी तो मुझे पढ़ाने में उस तरह से आसानी नहीं होती। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं क्लास में ये वाली अप्रोच करूँगा, बट दिस अप्रोच इज़ नॉट रेकमेंडेड। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपने हमेशा ये अलग से फाइल जो बनानी है ना, आपने हमेशा ये वाला अप्रोच करना है। ठीक है, अभी से आदत होगी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होती है फिर। तो यहाँ पे हमारा जो हेलो वर्ल्ड था क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बुक में ज़रा आगे बढ़ते हैं।